तो भाई लोग कैसे गुजरी जिंदगी? तो यार तुम सब लोगों को पता होगा कि भाई रमजान चल रहा है, रोजे में गाली देना ना बहुत बहुत गंदी और बुरी बात होती है। पर लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तब तो इस बारे में बात की जा सकती है। नहीं, अगर एक बंदे का रोजा है, वो चाहता है कि अपने रोजे को बिना गाली गलौज के अच्छे से गुजार ले, अपने रोजे को मकरूह होने से बचा ले। पर ना, नहीं नहीं भाई, तुम शरीफ हो सकते हो पर लेकिन हरामे के जमाना हमें सुधरता हुआ देख सके। नहीं देखो, एक बंदे ने रोजा रखा है, वो नमाज पढ़ के सहरी करके मस्त होके सो गया। सुबह को उठता है, उसकी अम्मी आती है और कहती है, बेटा लेटा रे, मुंह हाथ धोने को पानी नहीं है। वाह भाई वाह, चलो ठीक है यार, ठीक है मान लिया पानी नहीं है, कोई मसला नहीं, पास किसी मस्जिद से जाके मुंह हाथ धो लेंगे। अब हमने उस मस्जिद में जाके मुंह हाथ भी धो लिया, नमाज भी पढ़ ली, फ्रेश भी होगा, मतलब एकदम टना टन होगा भाई। अब हम वहाँ से निकले और जा रहे हैं घर की तरफ, हाथों को ढीला छोड़ के मस्त चाल चलते हुए आसमानों की तरफ मुंह करते हुए जा रहे हैं घर की तरफ। घर पहुंचे सोचा थोड़ा टाइम में ब्राउजिंग कर लेते हैं, मोबाइल उठाया, इंटरनेट कनेक्ट करा तो याद आता है साला पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट का कार्ड लोड ही नहीं हुआ है। चलो ठीक है भाई, ठीक है, इंटरनेट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कोई बात नहीं, भूल गए हम बात को, भूल गए हमारा रोजा है। अभी तक हमने अपना कोई कमीनापन नहीं दिखाया, कोई बिगड़ती नहीं मचाई है, ठीक है। और देखो ये कहानी नहीं है भाई, हकीकत है, जो कि एक सच्चे रोजेदार और फिटकार बरसे पाकिस्तानी की है। अब तक हमने कोई किसी को गाली नहीं दी, किसी पे गुस्सा तक नहीं हुए, रोजे का एहतराम है भाई। अब देखो पानी भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, सिर्फ बचा क्या, बिजली। मोबाइल को उठा के साइड रखा, करने को कुछ है नहीं, सोता थोड़ी देर लेट के आराम कर लेते हैं। लेटे ऊपर पंखे की तरफ देख रहे हैं, वो घूम रहा है, हल्की हल्की हवा आ रही है, मजा आ रहा है। अब बस थोड़ी देर सोने के लिए आंख बंद की ही होती है कि वो दो गलियां छोड़ के आवाज आती है। नहीं नहीं, तालिबानों का हमला नहीं हुआ है भाई, बल्कि जिस ट्रांसफार्मर में वो दो गलियां छोड़ के हमारी लाइन लगी थी भैंस की आंख, उसका ब्लास्ट हुआ है। अब मुझे बताओ, इस सूरत हाल में वो हरामी बगैरत किस्म का लोंडा जिसके हर दो मैसेज के अंदर चार नई अजीब किस्म की गालियां हुआ करती थी, वो रोजे रख रहा है? नहीं, अब मुझे बताओ कैसे, आखिर कैसे वो लोंडा गाली देने से खुद को बचाए? सीधे लफ्जों में बोला जाए तो भाई, गरीब बंदे की दुनिया में भी झंडे जिंदगी, मरने के बाद कब्र में भी झंडे जिंदगी, कब्र के बाद कयामत में भी झंडे। रे झंडे तेरी जिंदगी झंडे भाई, सुन ले। अबे हटो बोतल की बात। तो खैर यार, फाइनली आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्यूपिल्स इन रमजान। रमजान रोजा रखो जी, नेकी से झोली भरो जी। अब हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, पूरे जिस्म का ही होता है ना। उसमें हम कोई ऐसा बगैरा लांती किस्म का काम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं जो कि हम रोजमर्रा के कुत्तों वाले जिंदगी में करा करते थे, क्योंकि यार रोजा नाजुक होता है, टूट जाएगा। अब इसमें बेशुमार किस्म के लोग पाए जाते हैं, पर लेकिन हम शुरू करते हैं शुरू से। अब इन लोगों का वैसे तो कभी रोजा होता नहीं है, पर लेकिन अगर ये गलती से इत्तेफाक से कभी रख भी लेना तो इनका सवाब इन्हें नहीं बल्कि आसपास के इन्हीं के घर में किसी दूसरे लोगों को ही मिल जाता है, क्योंकि जब ये लोग अपना रोजा रख के कहीं सो रहे होते हैं तो कोई इन्हें बस उठने का कह दे, अरे बेटा तुम अभी तक नहीं उठे, इतनी देर हो गई है, नमाज का टाइम हो रहा है, बेटा उठो, शाबाश उठ जाओ। अरे यार अम्मी, यार अम्मी यार, ऐसा नहीं करो यार, मेरे को रोना लग जाएगा यार, अभी रोना रखा हुआ है, रोने दो यार। इनके घर में से कोई बड़ा भाई इनसे ये कह दे, यार चलो उठो और सौदा लेकर आना, चलो जल्दी तैयार हो, चलो। अरे यार भाई नहीं करो यार, मैंने रोना रखा यार, मेरे को रोना लग जाएगा, मैं नहीं करो यार। मतलब ले भाई, समझते हैं, मान रहे हैं तेरा जिंदगी का पहला रोजा है, पर लेकिन कुछ काम धंधे भी तो कर, हर बात बात पे यही बताया जा रहा है तेरा रोजा है, तेरा रोजा, तूने हमारे साथ हमारी कब्र में थोड़ी ना उतरना यार, रोजा है रोजा है रोजा, एहसान थोड़ी ना कर रहा है हम पे। ओ भाई, इन लोगों को हल्के में तो लेना ही नहीं, इंसान तो ये है ही नहीं, एक रुतबा बड़ा है इनका, मतलब ये नकारा होने के साथ साथ इतने खवार किस्म के होते हैं, पहले तो ये रात भर जागते हैं, उसके बाद सहरी करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद भी सोते नहीं है बल्कि सीधा ग्राउंड पहुंच के गिल्लियां गाड़े होते हैं बे, और फिर जब ये जमाने का लांतों से भरा बोझ भारी लेके अपने घर में घुसते हैं तब इन्हें जमाने का पोका भी कोई खबर नहीं होती। इनके घर में पिछले दो हफ्ते से पीने का पानी नहीं चढ़ा है, इन्हें पोका भी खबर नहीं है। जब ये भाई साहब सुबह को मैच खेलने गए तो घर में इनके मोबाइल में 15 मिस कॉल आई हुई थी इनकी सगी बच्ची की, इन्हें फोका भी खबर नहीं है। इनका सगा बाप 6 समोसे अफतारी के लिए लेकर आया, इन्हें उसकी भी खबर नहीं होती। रात भर जो उल्लूओं की तरह जागे हैं तो सुबह को ऐसे सोएंगे ना यार, आमिर लियाकत साहब को एक महीने के लिए बैन कर दिया, इन्हें उसकी भी खबर नहीं होती। रमजान रोजा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी।
अल्ले भाई इनसे कतई नफरत नफरत है मुझे साले, खुद तो पूरा पूरा साल रोजा नहीं रखते और जो रोजा रखता है तो उसको ज्ञान ऐसे देते हैं जैसे मोहल्ले के मस्जिद में तरावी पूरा महीना यही पढ़ाते हो। और अगर इत्तफाक साहब इन्हें गलती से मोहल्ले की किसी गली में मिल भी गए तो ये अपने पास बिठा कर आपके दिमाग को ऐसा पेलते है ना कि सीधे हाथ पर सवाब लिखने वाला फरिश्ता भी कान में मुंह लगा के कहता है कि बेटा तू ऐसा कर, अभी इसी के साथ अफ्तारी कर ले, नहीं तू इसी के साथ अफ्तारी कर ले, मैं खुद तेरे पर्सनली गुनाह माफ करता रहूंगा। नहीं मतलब इनका खुद तो रोजा होता नहीं है, खुद भी जिंदगी से बेजार है, अच्छा वाला बंदा जा रहा था उसको भी बिठा के सिखाते हैं कि बेटा रोजा रखो तुम्हारी रूह को इतना सुकून मिलेगा जो कभी जिंदगी में किसी चीज से नहीं मिलता। अल्ले चाहते तो तू भी एक दो रोजे रख के कमा लेना ये सुकून, साला खुद भी बेजार है हमारी भी जिंदगी झंड कर दी तूने, एक दो रोजे रख के मर थोड़ी नहीं जाएगा, खुद भी तो रोजे रखना कभी। अभी ये लोग झूठ भी बोलते हैं, गाने भी सुनते हैं, दूसरों की गीबत भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, दूसरों से बदतमीजी भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, पर फिर भी अगर आप अपने शक को दूर करने के लिए इनसे एक बार पूछ लो कि भाई तेरा रोजा है तो ऐसे छाती चौड़ी करके हाँ बोलते हैं, मतलब असली तरीका तो है यही, मतलब हम तो शायद रोजे के नाम पे मजाक कर रहे हैं, जो तरीका हमें पता है वो तो है ही गलत, असली तरीका तो है ही इनका भाई, ये असली सवाब कमा रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे हैं बैठ के। तो खैर बस यार आज की वीडियो को इधर ही लगाते हैं, प्लीज स्टॉप। अब अगर तुम्हें इस वीडियो में किसी भी जगह हंसी या मजा आया हो, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे मजाक के लिए बनाई गई है और किसी चीज के लिए नहीं, और अगर इस वीडियो पे ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी रमजानों में ही बनाने की कोशिश करूंगा, तो जल्दी से शुरू हो जाओ, लाइक करो दबा के, लाइक 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 करके इसको हिट कर दो, वीडियो को थोड़ा सा चलवा दो यार, थोड़ी हेल्प करो ना भाई की। और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हें किस जगह पे ज्यादा इस वीडियो में हंसी आई या मजा आया, कौन सा पॉइंट तुम्हारे को ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और अपने इन रमजानों के दिन कमाओ आप मेरी वीडियो को शेयर मार के, यार वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इस गरीब का भला हो जाएगा यार, कर दो शेयर कर दो। और अगर ये तुम मेरी शोर शराबे वाली पहली बार सुन रहे हो और तुम्हें पसंद आ रही है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।